हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? लॉकडाउन के अंदर आप सब लोगों ने बहुत मजे लिए होंगे। इस लॉकडाउन का आप लोगों ने भरपूर फायदा उठाया होगा। दोस्तों, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। उस एप्लीकेशन का नाम है टिकटॉक। टिकटॉक और टिकटॉक, इस टिकटॉक ने बहुत तहलका मचाया इंडिया में। लॉकडाउन में लोगों ने इसके ऊपर 15 सेकंड और 1 मिनट का वीडियो बना के अपने अलग अलग कारनामे दिखाए हैं। मतलब जैसे टिकटॉक चला लॉकडाउन में, लोग कपड़े पहनने तक भूल गए यार। टिकटॉक बनाने के पीछे इतने पागल हो गए लोग कि लोग हाफ कपड़ों में आ गए टिकटॉक पे। कुछ लोग इतने ज्यादा फेमस हो गए कि वो लोग तो ये सोच रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा, हम बाहर जाएंगे, लंबी लंबी लाइनें होंगी हमारे लिए, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, लोग ऑटोग्राफ के लिए खड़े रहेंगे। मैं उन लोगों को ये बता दूं कि अबे चूतियो, तुम लोगों को ये सोच रहे कि लॉकडाउन खुलने के बाद में कहीं कोई चप्पल ना मारे। जो फिल्टर यूज कर करके आप लोग काले काले हो लेकिन कोरे दिख रहे हो ना, सुधर जाओ आप लोग। मेरी आप लोगों से एक विनती है कि इस टिकटॉक को हटाओ और अपने देश में इतने एजुकेटेड लोग हैं यार, कुछ एक ऐसा एप्लीकेशन बताओ जिससे कि हम भी वीडियो बनाएं उस पर। कुछ करो यार, कुछ डेवलप करो। आज आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में बता रहा हूँ, एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है, जो भारत पर हुक्म करने की सोचता है, भारत के ऊपर राज करने की सोचता है, जो जिसके मन में बहुत बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे ही एक कॉमेडियन एक्टर के बारे में, एक कॉमेडियन पॉलिटिशियन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं इस कॉमेडियन पॉलिटिशियन के पीछे, चलो। अच्छा दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के और बिना किसी बकवास के। लेट्स गो। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना, इन भाई साहब को यह नहीं पता कि कुंभकर्ण और कुंभाराम कौन है। सोनिया जी, मेरी विनती है कि आप इनको महाभारत दिखाओ, महाभारत, तब जाके इनको पता चलेगा कि कुंभकर्ण कौन है। कुंभकर्ण का नहीं पता, कुंभाराम योजना, कुंभकर्ण योजना। सोनिया जी, बेटे को समझाइए। वेल सॉरी 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 चेयरमैन सर की औलाद, स्पीकर मैडम, चेयरमैन सर। वो चेयरमैन सर भी नहीं होता और स्पीकर मैडम भी नहीं होता, वो स्पीकर सर होता है। मेरे हिसाब से लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा के अंदर जो होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। अंग्रेज की औलाद, स्पीकर मैडम, साला अंग्रेज की औलाद। और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए। नहीं बनाया क्यों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या ये थे जिन्होंने 16 16 26 26 हजार जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, उन्होंने देश नहीं बनाया। सालो, एक बार डांसर वाला के देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोगों ने, देश की प्रधानमंत्री बनेगी कांग्रेस की अध्यक्षिका है क्यों? 12वीं में पैसे कम मिल रहे थे ना, इधर तो सालो लूट के खा गए पूरे देश को 70 साल में, चोर। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, सच्चाई है। प्रधानमंत्री जी तेरी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते? अबे प्रधानमंत्री जी के पास क्या चार चार आंखें हैं जो दो आंखें तेरी आंखों में डाल देंगे? साले चोर, आंखें नहीं डाल सकते प्रधानमंत्री जी। तू बड़ा लैंडलॉर्ड है ना, बहुत बड़ा आदमी है ना तू छचुंदर। अबे तेरी इज्जत तो इतनी भी नहीं है, मेरे गांव का एक जो काम करता है, मजदूरी करता है, उसकी इज्जत तेरे से ज्यादा है चोर। ये क्या होता है भाई?
लगता है साले की परवरिश ठीक से नहीं हुई। हाँ, परवरिश ठीक हो सकी भी कहाँ से, क्योंकि मम्मी तो बार में डांस करती थी ना, डांस, तो परवरिश कहाँ से ठीक होगी, ऐसे ही करेंगे सारे सारे हैं। सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं। नहीं यार, तू गुस्सा करके क्या उखाड़ लेगा प्रधानमंत्री जी का, बोलना क्या उखाड़ लेगा। हाँ, तू पप्पू है तू पप्पू। अबे मेरी बकरी का दूध पिएगा, दूध पी ले, बकरी दूध देती है, दूध पी ले उसका बकरी का, आजा चूतिया छिल्लर बनाओ। अबे तुझे प्रधानमंत्री बना कौन रहा है, कौन तुझे प्रधानमंत्री बना रहा है, तू प्रधानमंत्री के लायक है? अबे तू तो गांव के पंच के लायक भी नहीं है, तेरे से अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन तो गांव में है। तेरे को क्या आता है, तेरे को अगल बगल में पूछ के भाषण देता है, कुछ आता है तेरे को? कुछ ही नहीं आता। तू पप्पू है, तू छोटा है, नन्ना है, बच्चा है, शर्म कर ले, हिमालय पे जाके संन्यास ले ले, वरना जाओ अपने देश इंग्लैंड। घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। बताओ यार इसको कोई, राहुल जी को बताओ यार कि आलू खेत में होता है, मशीन में आलू डालो इधर से सोना बनेगा, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। हाँ, तेरे बाप की खेती है ना, है ना, तेरे बाप का कारखाना है ना, तो सोना बन जाएगा, सोना बन जाएगा, सोना बना देगा तू छिल्लर। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।